वार्ड 14 में ही रिक्शा से बैटरी निकालने वाले चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद। 30,000 की बैटरी लेकर देर रात चोर हुए रफू चक्कर। मामला क्लॉक टावर थाने में दर्ज। कल रात क्लॉक टावर थाना क्षेत्र वार्ड 14 मालोसर रोड स्थित कॉलोनी में चार युवक चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए घुसे, जिनकी नजर में एक ई रिक्शा आ गई। चोरों ने ई रिक्शा की बैटरी को निकालने के लिए पूरी साजिश रची। जो भी चोर हरकत कर रहे थे वह सब वार्ड 14 में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी। उसी को देखने के बाद हम आपको पूरा घटनाक्रम इस खबर के माध्यम से बता रहे हैं। शुरुआत में आप देख सकते हैं कि एक युवक रेकी करने के लिए आता है। वह जब देखता है कि आसपास कुछ नहीं है तब वह दूसरे युवक को जाकर बताता है। दूसरा युवक भी निकलकर बाहर आता है, लेकिन उसकी नज़र वार्ड 14 में लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ जाती है और वह दोनों युवक वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद युवक फिर से आते हैं, लेकिन इस बार वे अपने आप को पूरी तरह से ढक कर आते हैं ताकि उनकी शक्ल कैमरे में कैद ना हो जाए। चारों युवक एक मोटरसाइकिल पर आए थे और सुरेंद्र नामक युवक जो कि ई रिक्शा चालक है, उसकी ई रिक्शा में से चार बैटरी जिसकी कीमत लगभग 30,000 है वह निकाल कर ले गए। हालांकि मामला थाने में दर्ज करवा दिया गया है। सीसीटीवी की मदद से पुलिस को चोरों तक पहुंचने में आसानी होगी। जी सर, कहाँ की वारदातें और क्या कौन थे और क्या ले गए? सर, ये किशन कन्या कॉलोनी मलूसर रोड की वारदात है। ये सर मेरी बैटरी रिक्शा है, इसी से मेरा घर चलता है और इसी से काम चलता है। मैं फैमिली वाला हूँ, लेकिन कल रात को 3:30 बजे करीब कोई मेरे इसमें से चार बैटरियाँ ले गया। सीसीटीवी में भी आया? सीसीटीवी में भी आया, लेकिन सर उनको जब पता चला ना, पहले देखा उन्होंने नहीं आया है तो वो ऐसे ही बिंदास आ रहे थे, लेकिन फिर बाद में देखा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो मुंह ढक के आए। भैया, आपने किस हिसाब से ये लिया था टेम्पू और कितने का है और कितने का माल वो लेके गए? ये सर मैं हूँ गरीब ही, इसलिए मैंने पुराना ही लिया था, इंस्टॉलमेंट पे लिया था और सेकेंड हैंड भी लिया था मैंने। जी जी, तो ये मेरे को करीबन 85,000-1,000 का पड़ गया। अभी जो बैटरी थोड़ी थी वो करीबन 28,000-30,000 की नई बैटरी है, मतलब पूरी एक नहीं, चारों 30,000 की लगभग आती। रिपोर्ट दर्ज कराती? रिपोर्ट दर्ज कराई है उस रिगेट थाने में। अब चोरी हो गई है, किस तरीके से आपका गुजारा कर रहे हैं, किस पते में? अभी तो सर बैठे ही हैं, जब तक इनके बैटरियों का कुछ होता नहीं है, या तो अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं मिलती है तो फिर तो कहीं ना कहीं से फिर वापस लोन वोन या कुछ लेके फिर करना पड़ेगा। और इसमें मेरे गाड़ी के कागज भी थे, आरसी थी और थोड़े मतलब एक बैग था उसके अंदर आरसी थी, मेरे आधार कार्ड वाधार कार्ड फोटो कॉपी थी और 350-350 रुपये ऐसे कुछ पड़े थे। आपका परिचय बताओ। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, ये मलूसर रोड किशन कन्या कॉलोनी वार्ड 14। जी सर, कहाँ की वारदात है और क्या है पूरी वारदात? ये कल रात की वारदात है, कल रात को करीबन 3:15 बजे की बात है। चार जने एक बाइक पे आए थे और जो अपने बैटरी वाले रिक्शे चलते हैं उनकी बैटरियाँ निकाल के रात को ले गए थे, लेकिन उन लोगों को शायद ये मालूम बाद में पड़ा कि शायद वार्ड नंबर 14 पूरा सीसीटीवी कैमरों से कैद है। अगर कोई आता है, अगर रात को कोई ऐसी कोई वारदात होती है तो वो कैमरे में कैद हो जाती है। उन्होंने पूरा घटनाक्रम में चार बैटरियाँ ले गए हैं, करीबन 30,000-35,000 के सामान उठा के ले गए। वो चार जने थे, गाड़ी पे थे और उनकी हर एक फुटेज, उनकी फ़ोटो समेत सारे कैमरे में रिकॉर्ड है, जो मैंने आपको बताया था मौका स्थिति सारे। ये करीबन चार बैटरियाँ ले गए हैं और चार ही जने थे और ये मोटरसाइकिल पे ले गए ये सारा। कहाँ की वारदात है? ये शांति नगर मलूसर रोड की वारदात है और पूरे वार्ड के अंदर 32 कैमरे लगे हुए हैं, जो मेन मुख्य रोडों पर भी लगे हुए हैं, इंटरली एरिया पर भी लगे हुए हैं। जैसे भी कोई वारदात होती है, कोई अप्रिय घटना होती है तो शायद कैमरे में। कैमरे किसके द्वारा लगाए गए हैं? ये कैमरे नगर निगम द्वारा लगाए गए हैं, महापौर जी से मैंने कहा था, तो महापौर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी एक ही विनती पे। अब अजमेर ज़िले में, अजमेर में, पूरे अजमेर में दो ही जगह लगे हुए हैं, एक तो अनीश जी के वार्ड में लगे हुए हैं और एक मेरे वार्ड से लगे हुए हैं। मुकदमा दर्ज करोगे? मुकदमा भी उन्होंने रिपोर्ट तो दे दी है थाने पर, कलेक्टर थाने पर दे दिया, ये जो क्षेत्र पड़ता है कलेक्टर थाना। चंद्रशेखर बालोटिया, वार्ड नंबर 14 पार्षद।